क्षयक्षतिर विशेष बरणी आसी ना तेज जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर यनोटी जिला रे सेमिति किसी मेजर क्षयति हेबार नजर आसीनी अल्प गछ उपुड़ी पड़ी से गछ गुड़ी क्लीयर करा बाय एंड लार्ज क्लीयर करा सरला आज संध्या सुधा यही तीनोटी जिला तांकर रास्ता सब क्लीयर हो गछ कटा जीवो तापर से मैंने आज आरंभ करदे इलेक्ट्रिक लाइन भेरिफिकेशन आरंभ करदे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आउ जमी लाइन एवं फिडर्स सेफ बोली डिक्लेयर हो इमीडिएटली से स्टेप्स ने रिचार्जिंग करने से प्रोसेस आरंभ है। भद्रक जिले में पवन कमिला परे से वर्तमान रास्ता सफा कम आरंभ कर सबुठी ओड्राफ एनडीआरएफ आउ फायर सर्विस टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम मैंने काम कर नीलगिरी अंचल टिके बेसी अधिक गछ उपुड़ी पड़ भांगी पड़ दृष्टि के नीलगिरी अंचल बालेश्वर जिले में कारण से अंचल जेहेतु गछ बहुत अच्छी तेणु पवन भी टिके सेपटे बढ़ुच्छा होमती गत आज कही सका प्रबल वर्षा हो जिलापाल मयूरभंज मध्य कहले सिमिलपाल सबु अंचल गत काली प्रबल वर्षा एवं वर्षा बर्तमान चालू रही तेणु सिमिलपाल पानी बुढ़ाबलंग नदी की आसी आसी पारे आसब तेणु से मैंने आसेस करदर जी वर्षा हो वर्षा गोटे फास्ट फ्लड सृष्टि कला भाया पिस्थित सृष्टि कर कि ना बर्तमान बारिपदा ठारे लेवल अच्छी जो आम जल संपद विभाग जो मेजरमेंट गज अच्छी एक अच्छी से मानने जो डेंजर लेवल से सतैश अठाईस मीटर तेणु छः सात मीटर गैप अच्छी तेणु जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री आसेसमेंट जहाँ अच्छी सेमती आपण शुणुते वर्तमान एसआरसी प्रदीप जेना प्रेसमिट्र सीधा प्रसारण जो थे कि एसआरसी निजे कहते कि विशेष किसी क्षयति होना जो कथ पूर्व अनुमान करो कथ नहीं सतर्क कर बारंबार और प्रशासनिक सतर्कता प्रशासनिक तत्परता और साधारण लोकों सहयोग फल वर्तमान सब जो विपद को मुकबिला कर किसी सक्षम होती समस्त बालेश्वर नीलगिरी अधिक गछ उपुड़ी सूचना मिली तेज बालेश्वर नीलगिरी छड़ा अन्य अंचल गाँ भाँ गछ उपुड़ी जो कथ नहीं वर्तमान उद्धार कार्य जारी रही किंतु भद्रक किसी अंचल और बालेश्वर किसी अंचल जेहेतु प्रबल वर्षा और पवन लग रही पागर टिके परिवर्तन हेला परे ही उद्धार कार्य जोरसोर करा जाई पारिब जो सब रास्ता ब्लॉक हो रही वर्तमान गछ उपुड़ी नजर रखीचु पानीपाग विभाग आकलन हिसाब से मयूरभंज जिले में 100-110 किलोमीटर बेगरे पवन बहार संभावना अच्छी तेब आम आउ घंटे दि घंटा पर आम से संपर्क में स्थिर चित्र पाई से आम कैलकुलेशन करवा आग को जोबले बारिपदा आड़ को मुहेब एवं आग को आहरी आग को जीव ताल बेग के से संपर्क में आम आपण फर्दर सूचना देव मेजर किसी इनसीडेट घटनी बालेश्वर जिले में गोटे इनसीडेट नजर को आयन बर्तमान परीक्षा कर गोटे जड़े युवक बोधे से साइक्लोन सेल्टर रे थिले सका बारण सत्वे भी से कड़े जबरदस्ती निज घर पाखरे घर तेणु से पाख घर को जाते जीवा भितर गोटे गचर पड़ी तेणु से यहाँ बर्तमान तहसिलदार आमर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अनुसार बर्तमान भेरिफिकेशन चली से संपर्क में सविशेष तथ्य आम आउ दु तीन घंटा भितर आम सेयार करदेव सेमती आउ गोटे दृष्टि की आसी कलेक्टर बर्तमान से टीम पठाई केन्दुझर जिले में आर्ली मर्णिंग कौट गोटे जगार जड़े लोकों ऊपर गछ डाल खंडे भांगी पड़ पड़ा बोली
ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ସେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ମୁଁ ଟିମ୍ ପଠାଇଛି, ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ୱିଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଅଛି। ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟି କେବଳ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ିବାରେ ବହୁତ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା କହିଥିଲା ଯେ 4 meter ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ହାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଡ଼ ଅଛି ତାଠୁ 4 meterରୁ ଅଧିକ, 4 meter ପାଖାପାଖି ପାଣି ଅଧିକ ଆସିବ। ଜୁଆର 4 meter ପାଣି ଜୁଆର ଆସିଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ବାହାନଗା ରେମୁଣା ସଦର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି। ଧାମରା ଏରିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି। ତେବେ ହାଇ ଟାଇଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଟିମ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଜଲ୍ଦି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ତା'ର ଫଳରେ କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ତା'ର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ୱାର୍କ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ ଟିକିଏ ଦେଖିକି କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦଫା ପବନ ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଟିମ୍ ବାହାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିକି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ହେଉଛି ସୂଚନା। ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେଇଛି, ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ସନ। ଏସବୁରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂର କରୁ। କେଉଁଟା କହିଲେ ନାଇଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଆଚ୍ଛା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗଛ, ଗଛ ବହୁତ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ଆମର ନୀଳଗିରି ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏପରିକି ବେତନଟି ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଛ ବେତନଟି ଏରିଆରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଛ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ, ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବ ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ଗଛ ପଡ଼ିକି କିଛି ହୁଏତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ସେମିତି ମେଜର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇନାହିଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ, ମୋବାଇଲ ସେବା କେଉଁଠି ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାପିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ତାରି ଉପରେ ଦେଇପାରିବୁ। ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମେ ହେଭିଡ୍ୟୁଟି ବିଜିସେଟ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରଖିଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ କାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆଉ କଟକ ଯଦି ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭେରି ହେଭି ଜେନେରେଟର ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଉଣ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଲର ମାଉଣ୍ଟେଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରେଲର ମାଉଣ୍ଟେଡ଼ ଜେନ୍ସେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆଉ କଟକରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଅତି ବଡ଼ ଜେନେରେଟରର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସେଠି ଯେଉଁ ଜଳ
मान वाटर सप्लाई सेठी जो जेनेटर दरकार से जेनेटर आम पाखे महजूद अच्छे तेणु आउ भेरी हेवी ड्यूटी जेनेटर आवश्यकता पड़े नहीं सेटा तो पवन आउ लोकेशन आम तो एक्जाक्टली से वी हाव टू डिपेंड अपन आईएमडी आईएमडी मुंकर लोकाल अफिस् सहित कथा होली पुणी मृत्युंजय बाबू सहित कथी महानिर्देशक सहित कथी तर से जो स्पीडटा को सी रेकर्डेड स्पीडटा को रखी 130-140-150 किलोमीटर पर्यंत तेरे डिटेल्ड आनालीसीस आउ फर्दर है जहाँ रिपोर्ट देवे से अनुसार आम आपण सूचित करूँ हाइएस्ट विंड स्पीड जोटा आईएमडी कहूँ दैट हाज बीन इन द ऑर्डर ऑफ अबाउट 130-145 किलोमीटर 130-145 किलोमीटर पर्यंत हो आउ गस्टिंग से 140-150 भितर ही रही लोकेशन एगेन ट्राक जेहेतु एथर गोटे डिस्टिंक्ट आई ना गोटे क्लाउडेड आई टाइप एक्सटेंडेड आई टाइप रही तेणु एक्जाक्ट आईटा कौ दे कि पास करा टी एथर डिफिकल्ट हो गोटे ब्रॉड बैंड भितर रोच 4-5 किलोमीटर भितर आम देखा चाहते जो आम मानने केते मॉडल कौच हिसाब से कौच रेमुना केते मॉडल कौच सदर सो बाहानगा रेमुना सदर यही भितर ही पास करी मोस्ट लाइकली मैंने रेमुना एरिया रे पास करी एग्जाक्ट पिन पॉइंटेड बर्तमान आउ कौ दे पास करी तार किसी अर्थ तो आमपाई हम ना जहाँ डैमेज हवा कथा हो सारी कोस्ट्रे एवं आग को बढ़ुची तेणु आज नेक्स्ट 12 hours sometime. Next 12 hours is crucial for Mayurbhanj district and Nilgiri subdivision ne chaliche Mayurbhanj jila re next 12-13 ghanta amo pai crucial sethi ame monitoring karuchu aji ame apunku kahitulu sokale bale Mayurbhanj jila 60,000 pakapaki loko evacuate karthila kintu bartaman sudha jo khabar collector ebe just mo seta katha hala bale kahutule tankaro evacuation already 100,000 ru adhik hoi sarichi एवं से बारीपदा टाउन में इवाकुएसन करुँचा जो पाथ से जाऊँ से बारीपदा उपरे पखापाखी बारीपदा उपरे भी पाथटा क्रस करेणु से मैंने टी अधिक सचेतन प्रशासन चेष्टा कर सचेतन कराइप कारण जो कथा आम प्रशासन को कही कन्वेंशनल साइक्लोन एरिया आउ गोटे नन ट्रेडिशनल एरिया भितर पार्थक्य अच्छी नन ट्रेडिशनल एरिया आम अधिक सतर्कता अवलंबन करिवार आवश्यकता अच्छी नहले सेठी आमर अधिक जीवन प्रति विपद हो पारे से दृष्टि जिलापाल गुरुत्व सहित नहीं आपण देखु भद्रक जिला 5,000 इवाकुएसन कर मयूरभंज जिला भी 100,000 रु अधिक इवाकुएसन कर सारा तेणु केते गुरुत्व सहित प्रशासन नहीं अनुमान करें देखु देखु बर्तमान आम नैचुरली आपने कही आगु गोटे हूँ कोविड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज किसी असुविधा है ना सब कोविड हॉस्पिटल गुड़िक रोगी सेवा अब्याहत रही इवन आमर जो साधारण डाक्तरखाना जो भी बिजुली ना से जेनसेट मध्यम आमर चली किसी असुविधा ना तापर कमिंग टू जोबले लोक मैंने बात्या आश्रय स्थल गाँव को जिते आज किसी जगह फेर आरंभ करदे किसी जगह कहना खोर्धा पुरी ये अंचल लोक मैंने रहा चाहूना लंच खाई सांगे सांगे पल किसी जगह पलैले भी आउ किसी जगह भी जीवापी से आरंभ कर तेणु आउ किसी जगह अच्छा आसंता का पर्यटन भी लोक रही पारती बात्या आश्रय स्थल जो गाँव में जुआर पा बेस जोर में माड़ी से ठीक होता आज किसी दिन रही पारती तेब जो मैंने गाँव को फेरी जब बर्तमान आम जो आप जानते हैं आम 24 तारीख रू डोर टू डोर सर्भे हेबार आईएलआई सारी एवं कोविड सिम्टम पर बर्तमान से बात्या अंचल आपक करमें जेहेतु कमन जगह रही जिते आम सोशल डिस्टेंसिंग कथा कही तारी भर के डिस्टेंसिंग
कौन हो आम तो 100 आमर रोचे जो 6 घंटा विगत 6 घंटा रे जो आम साधारण देखा जाए तो लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होता है बात्यार जो गतिर बेगटी अधिक रही है तो वर्तमान सुधा जो रही लास्ट 6 घंटा घंटा प्रति 24 किलोमीटर बेगर गति करोटा कि उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे वर्तमान जो अनुमान आगामी 3 घंटा यह दुर्बल हम एवं गोटे तीव्र सामुद्रिक झड़ रूप नब जोटा कि गोटे स्टेज तौक रोच तापर आपणकर 6 घंटा नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो 6 घंटा रोचे गोटे सामुद्रिक झड़ हम तापर धीरे धीरे यार आहरी दुर्बल हबार संभावना रोचे जहाँ वर्तमान आमर अनुमान पाखापाखी आपणकर जो पवन रेग रगामी जो 3 घंटा मध्य पाखापाखी 90 रु 100 किलोमीटर घंटा प्रति बेग तापरवर्ती 6 घंटा 60 रु 70 रो झटका पवन 80 जोटा कि आपणकर उपकूलवर्ती ओडिशा बर्तमान रिश्त तापर आभ्यंतरण जो रोच केउझर मयूरभंज सुंदरगढ़ देवगढ़ यही सब जिला गुड़िकर प्रबल पवन बर्षार प्रभाव रही 12 घंटा जाए आपणकर आगामी 12 घंटा जाए उपकूलवर्ती उत्तर ओडिशार जिला गुड़िकर गोटे रु 2 स्थान में अति प्रबल अर्थात 20 सेंटीमीटर जाए बर्षा हबार संभावना रही परवर्ती आपणकर रोच 6 घंटा आपणकर मुख्यतः भाव में जो आभ्यंतरण जिला गुड़िक जो गुड़ा कहली आमर रोच मयूरभंज केउझर देवगढ़ यही जो जिला गुड़िक रोच से गोटे रु 2 स्थान में आपणकर वर्षा हबार संभावना रही अति प्रबल वर्षा तापर जो जिनसटी बर्तमान रोच धीरे धीरे दुर्बल हो 24 घंटा मध्य यार प्रभाव आहरी कमार संभावना रोच देखो जिते लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट हम जो स्थल भाग छुईब से तार बहुत प्रकार कारण अच्छे दुईटा मेजर कारण जोटा आमको सामने आसा गोटे मानने रिसर्च विषय कि आम अनुमान करते उपकूल पाखापाखि जो तापमात्रा बहुत कम रही है ता छड़ा आपणकर जो ताप जो शक्ति एनर्जी जो 60 मीटर गभीरता मध्य से कम थी ता छड़ा आमर जो रोच बल्ज आकार में बाहर जो धामरा भितरकनिका एरिया तांगे इंटराक्शन प्रभाव रही भी दुर्बल होगा गोटे कारण अच्छी एवं यार जो खास करके वर्तमान तार जो गति रही वर्तमान 120 रु 130 मध्य प्रभाव जोटा अनुमान कर भुवनेश्वर भी वर्तमान आमर घंटा प्रति बेग जोटा रोच 60 किलोमीटर बेगर पवन बर्तमान रोच जोटा कि पूर्व आम आकलन कराइला वर्षा आपणकर उपकूलवर्ती जिला गुड़िकर आगामी 12 घंटा मध्य गोटे रु 2 स्थान में आपणकर प्रबल वर्षा मध्य संभावना रही कारण वर्तमान दुर्बल जदिओ होना अति तीव्र सामुद्रिक झड़ अच्छी आगामी 3 घंटा मध्य अनुमान दुर्बल हे और तीव्र गोटे स्टेज तौक जीव तीव्र सामुद्रिक झड़ हम जो आम कहला कि जो जुआर प्रभाव लो लाइंग एरिया आगामी 3 घंटा पर्यंत बलवत्तर रहा अर्थात जो जुआर माड़ आसी तार प्रभाव देखा वर्तमान उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि जोटा कि लास्ट 6 घंटा 24 घंटा प्रति 24 घंटा बेगर गति करुछि एवं वर्तमान बालेश्वर ठारु दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे पाखा 15 किलोमीटर दूर रे रहुछि निश्चित भाव कारण आमर जो मयूरभंज मध्य पश्चिम से जो ट्राक रोचे उत्तर उत्तर पश्चिम जन ताप झारखंड प्रभाव रहीपर छत्तीसगढ़ साइड रे भी किसी प्रभाव रहा संभावना रोचे जो दुर्बल हम धीरे धीरे बर्षार प्रभाव रदि पवन सेमती रही है हाँ विभिन्न जोटा कारण कहली जोटा मेजर कारण ये सब फैक्टर रोचे किटा गोटे हूँ गोटे रिसर्च टॉपिक आम अनुमान करूँ जो तापमात्रा रोच तार प्रभाव सीधा साल पड़ी था जोटा भी आम प्रेडिक्शन जो रुए ट्रैक कि आपर जो रोच तीव्रता से सीधा साल जो समुद्र पृष्ठर तापमात्रा पर उपकूल पाखापाखि पहुँचुला तापमात्रा बहुत कम थी तेना ता दुर्बल करार साय कर आहरी अधिक शक्तिशाली हमार संभावना था लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया समाप्त 20 किलोमीटर आप बालेश्वर दक्षिण को 20 किलोमीटर मध्य लैंडफॉल कर लोकेशन सेमती डिफाइन कराए कारण आम जो थाए जो रेंज आई रेंज थाए से पाखापाखी अनुसार आम एस्टिमेट करवर्ती जो आम बेस्ट ट्रैक जो आप फाइनाल ट्रैक डिसाइड हम से जो आम पोस्ट लैंडफॉल सर्भे जो हुए जो आसंता काली हम तापर ही जमापड़ कौ जगह एक्जाक्टली
तल आपण शुणुते वर्तमान बात्या यश नहीं पानीपाग विभाग प्रेसमिट प्रेसमिट्रे सूचना देते पानीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास जहाँ से सूचना देते जे आगामी तीन घंटे दुर्बल हो बात्या यश और बात्या यश्र वर्तमान लैंडफल प्रक्रिया सरी सारी 24 घंटे यार प्रभाव कमिजी विशेषकर 12 घंटे उपकूलवर्ती जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं आकलन कर अन्य सब स्थान उपकूलवर्ती जिला सह उत्तर पश्चिम स्थान में जो सब जिलागुड़ी अच्छी से सब स्थान में प्रबल वर्षा रहिबो तबे आगामी 24 घंटे यार प्रभाव कमिजी और धीरे धीरे यहाँ लघुचापर रूप नहीं धीरे धीरे यहाँ अधिक प्रभावहीन हो किंतु वर्तमान पर्यंत जो उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा होई या पूर्व एसआरसी प्रदीप कुमार जेना सूचना देउथिले जो क्षयति नहीं अनुमान करा जाउथिला किबा जो क्षयति नहीं कि सतर्कता अवलंबन करा जाइथिला सेमिति कोनोसी क्षयति सेते परिमाण होइना ही किंतु बालेश्वर नीलगिरी रे सर्वाधिक गछ उपड़ी एवं सिमिलीपाल प्रत्येक अंचल वर्तमान प्रबल वर्षा जारी रही मयूरभंज आगामी 12 घंटा आगामी 12 घंटा मयूरभंज अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं से ही समय अनुमान करा कि मयूरभंज में प्रबल वर्षा सांग को पवन बलवत्तर रहिबो तबे जुआर पानी कथा जहाँ एसआरसी वर्तमान सूचना देउथिले जे जुआर पानी बहु गाँव में पशिछि विशेषकर बाहानगा रेमुणा सदर और अन्यान्य अंचल धामरारे मध्य एबे भी पानी अच्छी जलबंदी अवस्था मध्य लोक माने अछन्ते से स्थानरु सुरक्षित भाव उद्धार करने प्रक्रिया जारी रही एनडीआरएफ टीम ओडिआफ टीम अग्निशम बाहिनी मुतयन अछन्ते अन्यपटे ग्रामवासी सहयोग सह अधिकारी माने कर्मचारी माने वर्तमान काम लगी पड़ते कि रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुल करा जाई पारी बो जो मृताहतों खबर वर्तमान पर्यंत सठिक भाव में आकलन होना किंतु दुईट तथ्य जहाँ एसआरसी प्रदान कले मयूरभंज शहे रु 120 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे कौन गुरुतर घटना वर्तमान पर्यंत घटी सूचना ना कि बालेश्वर जड़े युवकों पर गछ पड़ जा खबर आसूसी से नहीं कि सविशेष तथ्य हासिल होगा बाकी अच्छी केन्दुझर भी जनक गछर डाल पड़ मृत्यु होता सूचना मिली से नहीं कि सविशेष तर्जमा कर वर्तमान जिला प्रशासन तरफ परवर्त समय ही स्पष्ट सूचना आसपार अंपटे जो सब एरिया वर्तमान जलबंदी अवस्था अच्छी सेठे लोक किपर सुरक्षित भाव में उद्धार कर से नहीं कि एनडीआरएफ टीम एवं सुरक्षाकारी दल वर्तमान प्राणपण चेष्टा कर तेज प्रभाव में उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हो भद्रक चांदबाली 288 मिलीमीटर वर्षा होता बेले राजकनिकार 251 मिलीमीटर मार्साघाई 245 मिलीमीटर वर्षा होपरी कुजंग 226 तेतोल 202 पारादीप 200 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो भद्रक 167 सोर 160 वासुदेवपुर 125 मिलीमीटर वर्षा हो वीकेंड होना स्टार्ट होगा और हमारा उड़ीसा का थ्रू फिर झारखंड का तरफ जाएगा और इसका रिगार्डिंग अभी हमारा जो रेनफॉल मिला है हमारा जो डेली रेनफॉल आते हैं बहुत सारा जगह में ही आपका हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है हाईएस्ट रेनफॉल मिला भद्रक चांदबाली का 288.3 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर से मोर रेनफॉल मिला 7 प्लेसेस में और वेरी हैवी रेनफॉल अभी तक जो मिला है 17 प्लेसेस में मिला और वेरी हैवी मीन्स हमारा 11 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर और हैवी रेनफॉल 7 सेंटीमीटर टू 11 सेंटीमीटर ये मिला आपका 11 प्लेसेस में। बारिश आज पूरा डे रहेगा बट धीरे धीरे कोस्टल एरिया से इंटीरियर उड़ीसा में ये होगा आपका ज़्यादा होगा जैसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में ये सब डिस्ट्रिक्ट में मेनली मयूरभंज ढेंकनाल केंद्रपरा जाजपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में अभी अभी कोस्टल एरिया में थोड़ा बारिश कम होता रहेगा इंटीरियर में ज्यादा रहेगा। सेपटे केन्द्रापड़ा जिले में बात्या तांडव प्रबल वर्षा सांग को पवन जो केन्द्रापड़ा जिले में व्यापक क्षयति होती विभिन्न स्थान में बड़ बड़ गछ उपड़ी पड़ा सह विद्युत खुंट सब भांगी जाइए भंगा खुंट और गछ सब रास्ता उपर पड़ रही यातायात बाधाप्राप्त होती जिले में विद्युत सरबराह विच्छिन्न होती केतेक स्थान में कच्चा घर सब भांगी जाइवर सूचना मिली केन्द्रापड़ा तालचुआ बाह्य जगत विच्छिन्न हो जाइए बात्या यश प्रभाव में उत्तर उच्च ज्वार आसी रास्ता डे गांव को पशिच्छी या देखि लोके आतंकित अवस्था अच्छा
खोलाठार नलितापाटी और कृष्णनगर ठार कनकनगर पर्यंत रास्ता पानी रे बुड़ी जाइछि। केन्द्रापड़ा बात्यार किसी तांडव राजनगर ब्लक सह अन्य ब्लक में होइछि व्यापक क्षयति। केन्द्रापड़ा इंदुपुर एक विराट गच रास्तार भांगी पड़ा फल रास्ता दीर्घ समय धरी अवरोध हो जाता। एनडीआरएफ टीम पहुंची गच काटि सफा करते दीर्घ समय धरी गच कटा कम चली रास्ता सफा होता। सेपटर जदि कह बात्यार व्यापक क्षयति होती बालेश्वर जिला बाहानगा उद्धार कार्य लगी पड़ी अग्निशम बाहिनी और बाहानगा गोपालपुर रोड में बात्यार भांगी पड़ा विराट गछ काटि सफा कर अग्निशम कर्मचारी। यह रास्त रोगी नहीं आसुवा एक आंबुलांस अटकी जाता और रास्त गच पड़ी आंबुलांस आगक जापार तुरंत अग्निशम बाहिनी पहुंची गच काटि रास्ता सफा कर आंबुलांस रोगी धरी हस्पिटाल जाता। सेपट जदि कह धामरा कथा धामरारे बात्यास्र प्रभाव देखा मिली सका धामरारे प्रबल वर्षा सह 70-90 किलोमीटर बेगर पवन बही बहु तलिया अंचल लोकों घर पा पशिजाई गाड़ी मोटर सब् पा बुड़ रही समुद्र अशांत रही समुद्र में जुआर उठी आज पूर्णमी तिथि थुआर अधिक प्रखर हो पाए। भद्रक जिला प्रशासन पक्ष प्राय लक्षे लोक विभिन्न बात्या आश्रयस्थल और स्कूलगुड़ स्थानातर कर बात्यारे निखोज थिबा एक डंगा को उद्धार करिबा सह सेथिरे थिबा 10 मत्स्यजीवी को उद्धार करा जाइछि। समस्त मत्स्यजीवी को सुरक्षित उद्धार करा जाइछि। जप एरसमा एवं जगत सिंहपुर अंचल 10 जन मत्स्यजीवी डंगा नहीं समुद्र को माछ मारिबा को जाइथिले किंतु बात्या प्रभाव रे सेमाने फेरि पारु नथिले। समुद्र भितर निखोज थिबा ई मत्स्यजीवी को एनडीआरएफ टीम गतकाल राति रे ही उद्धार करिछि। समय सारी बुलेटिन को यही रखुचु। नमस्कार।